कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा है। ये वास्तविक में हमारे जो बाबा जी के श्रद्धालु हैं उनमें से कईयों को अनुभव हुआ होगा कि जीवन में कितनी सारी तकलीफें आईं, कितने सारे कष्ट आए, पर जिन्होंने बाबा जी का स्मरण किया, बाबा जी का नाम जपा, बाबा जी को मुश्किल में याद किया, उनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं। वाकई खुदा बड़ा है हमारा। सहमत हैं आप? तो तालियां तो बजाइए।
कि सिर्फ मुंडी हिला दिए सहमत हैं, तो मेरे को सबकी मुंडियां तो दिख नहीं रही हैं, तालियां बजाओगे तो सुनाई देगा। आपको मालूम है बाबा जी बच्चों से कितना प्यार करते थे? देखा है किसी ने बाबा जी स्कूल में जाते थे बच्चों से कितने प्यार से हंस मिल के बच्चा बन के मिल जाते थे? है किसी को अंदाज? किसने किसने देखा? मैं अपने ग्रामीण माताओं बहनों से बच्चों से पूछता हूँ कि इन्होंने बाबा जी को कभी स्कूल आते देखा है? आपने देखा है? और किसने देखा है? नहीं है, क्योंकि बाबा जी को भी निर्वाण होते हुए 9 साल हो गए, तो उस समय आपके बच्चे भी जो पढ़ रहे होंगे वो निकल चुके होंगे। पर सही बता रहा हूँ आपको, जब बाबा जी हमारे स्कूल जाते थे तो बिल्कुल बच्चे बन जाते थे, और बच्चों का जो प्यार उस समय था बाबा जी से, जिन्होंने देखा था, वो देखिए क्या कह रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, ज्यू ज्यू उसकी उम्र बढ़े मन पर छूट का मैल चढ़े, जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान।
बच्चों को देख के ऐसा लगता है काश हम भी बच्चे होते। वाकई न इनमें छल न कपट न लड़ाई न झगड़ा न निंदा न, बच्चों की दुनिया अपनी मस्त है। और वो बच्चों की दुनिया मस्त किसने की? हमारे बाबा जी ने। बाबा जी बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनकी क्या जरूरतें हैं? नहीं तो आप बताइए, मैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात नहीं करता, मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ। और हो सकता है कि सिंध के मेहमान आए हुए हैं तो मैं सिंध की भी बात करूँगा कि इतनी बड़ी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इतनी बड़ी एरिया में इतनी अच्छी शिक्षा, वो भी बिना पैसे के, कापी किताब भी बाबा जी की तरफ से, ऐसी शिक्षा मैं नहीं समझता कि हमारे इस प्रदेश में या और कहीं भी निःशुल्क दी जाती होगी, मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसे बच्चे बाबा के द्वारा तैयार हो रहे हैं जो भविष्य में इस देश के नागरिक, अच्छे नागरिक मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज मेरी यहाँ पाकिस्तान की सुरक्षा आ गई है ना? कितना आप लोग क्या कहते हैं मिन्नतें करवाते हो कि आइए 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 आइए, अभी भी आप लोग पूरे नहीं आए हो, आए हो नहीं आए हो? आए, चलो तालियां हमारे सिंध के मेहमानों के लिए, तालियां। अब आइए अगली प्रस्तुति। आप लोगों में से किसको मालूम है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से कोई संबंध था? पौराणिक कथाओं के हिसाब से छत्तीसगढ़ से भगवान राम का संबंध था, है किसी को मालूम? आपको? आइए 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 आइए, बताइए क्या संबंध था? दूधाधारी मंदिर में आए थे बाबा। राम भगवान दूधाधारी मंदिर। राम मंदिर तो छत्तीसगढ़ में सैकड़ों होंगे, मैं आपका राम का छत्तीसगढ़ से संबंध पूछ रहा हूँ। आपका संबंध मैं वैसा संबंध पूछ रहा हूँ, मंदिर है वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए। बहुत सही, तालियां इनके लिए। भगवान राम की छत्तीसगढ़ ननिहाल है, राजिम में माता कौशल्या का जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से राम की ननिहाल है छत्तीसगढ़, पौराणिक कथाओं के अनुसार ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो आइए इस कार्यक्रम में भी अपन हम राम का एक कार्यक्रम देखें, राम जी की सवारी देखें। आइए राम जी की सवारी देखते हैं।
जी की सवारी, राम जी के सवारी के साथ ही साथ हमारे राम जी, हमारे राम जी कौन, हमारे राम जी कौन, हमारे राम जी बाबा जी, बाबा जी की भी सवारी आ गई। जोरदार तालियों से बाबा जी की सवारी की। तालियों में कंजूसी क्यों करते हो? हाथ दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, नहीं ना? चलो जब तक कहते मैं नहीं बोलू ना, जब तक बजाते रहो। बस बस बस, समझ गया समझ गया समझ गया। अब कोई भी कार्यक्रम, मंच का कार्यक्रम कान्हा के बिना तो हो ही नहीं सकता। कान्हा के अनेक रूप, बाल रूप, माखन चोर, राधा का प्रेमी, गोपियों का दोस्त, कई रूप हैं कान्हा के। आइए उसी कान्हा की एक झलकी हम आपको इस नृत्य के माध्यम से दिखा रहे हैं। आइए आगे जाओ, उसे गगरी लो।
तीन मिनट की प्रस्तुति इस बच्ची के द्वारा। आपको लगा तीन मिनट में आई और चली गई, पर इसके लिए इसने कितने दिन मेहनत की होगी, कितना प्रैक्टिस की होगी, इसकी शिक्षिकाओं ने कितना समय इसके ऊपर लगाया होगा, तो इस हिसाब से नहीं लगता कि तालियों में कंजूसी हो रही है। बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए ताकि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम ये आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। अब आइए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है कि नहीं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम छत्तीसगढ़ में रहतन मतलब हम छत्तीसगढ़ियन है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के वासी मतलब छत्तीसगढ़िया, तो छत्तीसगढ़िया हन तो छत्तीसगढ़ी नृत्य तो देखना ही पन। आइए छत्तीसगढ़ी कर्मा नृत्य का आनंद लें। डोंगरी मना कर मगाई लजा वो डोंगरी मना।
दुरला मैं धरे हमार डोंगरी के बीच हरी 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 ताल बने देवे गोरी गावा थमा गीत सुरला मैं धरे हमार डोंगरी के बीच सुरला मैं धरे हमार डोंगरी के बीच आ डोंगरी मारे आ डोंगरी माना कर मना चला जाओ डोंगरी माना आ डोंगरी मारे आ डोंगरी माना कर मंगाएला जाओ डोंगरी माना हरी 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 हो हरी 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 हो हरी 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 हो हरी 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 हो आ डोंगरी मारे आ डोंगरी मना कर मंगाएला जाओ डोंगरी माना आ डोंगरी मारे आ डोंगरी माना कर मना चला जाओ डोंगरी माना आ डोंगरी मारे आ डोंगरी मना कर मंगाएला जाओ डोंगरी माना आ डोंगरी मारे आ डोंगरी माना ये हमारे प्रदेश की झलक, हमारे प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य, लोक नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य। कोई भी उत्सव हो ये नृत्य जरूर स्थानीय निवासी जरूर इसमें कर। अब आइए आगे बढ़े। हमारे जितने भी देश में लोक नृत्य, अलग अलग भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, और हर प्रदेश की अपनी कोई ना कोई खासियत है। और वो जो लोक नृत्य लोक गीत हर प्रदेशों के हैं उसमें आजकल आधुनिकता का रंग चढ़ते जा रहा है। नई पीढ़ी आधुनिक संगीत के द्वारा वो लोक नृत्य प्रस्तुत करती है ताकि सबका रुझान लोक नृत्यों के ऊपर बढ़े। आइए ऐसा ही एक प्रयास हमारे स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, एक आधुनिक रीमिक्स द्वारा अलग अलग प्रदेशों के लोक नृत्य की झलकी देने के लिए। आइए आनंद उठाएं। मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद कि इसमें आपको कौन से प्रदेश की झलकी दिखी।
एक ही नृत्य में, सिर्फ 3 मिनट के नृत्य में आपने विभिन्न प्रदेशों के लोक संगीत सुने, लोक नृत्य देखे, बता सकते हैं कौन कौन से प्रदेश के इसमें लोकगीत सम्मिलित थे? राजस्थान, विभिन्न विभिन्न बोल रहा हूं, और कोई बता सकता है? राजस्थान सही बोले आपने, राजस्थान का भी है इसमें, और दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, सभी का संगम था ये। अब आइए, हमारे यहाँ राधे राधे भटापारा वाली कहाँ है ना, बहुत राधे राधे राधे। आज आपको आपको बच्चे बताएंगे कि आज के जमाने में राधे राधे कैसे बोला जाता है। आइए, बच्चों के द्वारा संगीत, आधुनिक संगीत पे राधे राधे।
हो गया, हाथों को तकलीफ हो रही है ना। बाप रे, कितना बोलना पड़ता है। सुरक्षा तो दे दे, तालियां बजा, तालियां बजा। पीछे से ताली नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लगा, बंद कर दूं? चलो खत्म करो, खत्म करो भाई, तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है। अब बस खत्म करते हैं, करें खत्म। जैसा बोलो, जैसा आप बोलिए, फिर तालियां बजाओगे। देखिए, हमारे देवीदास जी ने बच्चों का कार्यक्रम देखकर उनके लिए 1100 रुपए का पुरस्कार भेजा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कहाँ? हाँ, कहाँ चले? जहां बोलो वहां चले। रायपुर तो अभी कर्मा कहा देखे थे, सूते रहे इसका है? अभी रायपुर नहीं देखे इसका, कर्मा ने कहा होते? अब आओ राजस्थान चलते हैं। आइए राजस्थान चलते हैं, राजस्थान का लोकप्रिय घूमर नृत्य।
नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। कुछ भी नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रस्तुति हम अपनी परंपरा और लीक से हटकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा। आप पहले प्रस्तुति देख लीजिए, फिर इस बारे में मैं आपसे दो बातें करूंगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे पाठशाला में, बाबा जी द्वारा स्थापित पाठशाला में पांचवी तक शिक्षा दी जाती है, केवल पांचवी तक। मतलब ये जो बच्चे आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं बहुत छोटी उम्र के हैं, पर उनमें गुण बहुत ऊंचे हैं, और आप उनको प्रोत्साहित कर ही नहीं रहे हैं, तो लगता है कि प्रोग्राम जल्दी मेरे को समाप्त करना पड़ेगा। पर पहले ये प्रस्तुति देख लीजिए।
ये आपके समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया, मैंने पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप बता सकते हैं ये कौन से प्रदेश का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। कई लोगों ने बोला, सबने राइट बोला और सबके लिए तालियां। इनके लिए भले मत बजाओ, पर जिन्होंने सही बताया उनके लिए बजा दो। अभी तक हम आपको सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दिखा रहे थे। जब से स्कूल की स्थापना हुई है, तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों के अलावा पाठशाला की शिक्षिकाओं का एक कार्यक्रम आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो दो शिक्षिकाएं आपके सामने खड़ी हैं, इस तरफ मेरी तरफ जो खड़ी है रीना टोडर और उस तरफ जो खड़ी है विमला साहू, ये हमारे स्कूल की छात्राएं रह चुकी हैं। हमारे स्कूल से ही पढ़ के निकली हैं और आज हमारे ही स्कूल में शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। और बचपन में छात्रा जीवन में भी इन्होंने इस मंच से अपनी प्रस्तुति दी थी। जब ये छात्राएं थी हमारे स्कूल की, तब भी इन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ दिया था और आज शिक्षिकाओं के रूप में हमारे स्कूल में सेवारत हैं। और जिस तरह खुद उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही हैं, वैसे ही हमारे बच्चों को भी कुछ अच्छा सिखाने की प्रेरणा कर रही हैं। जो नृत्य गाना आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे, वो इन्हीं दोनों के द्वारा तैयार करवाया गया था। मैं चाहूँगा दोनों के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आप शिक्षिकाओं जिन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कार्यक्रम, उनका परिचय करवाना चाहूँगा जिन्होंने आपके, आओ इधर आओ, सावित्री साहू, सईस मैडम, गुआ मैडम, जल्दी आइए जल्दी आइए। इन दोनों का तो मैंने आपसे परिचय करवाया। ये है हमारे सईस मैडम, जो राम जी की सवारी वाला नृत्य देखा वो इनके द्वारा तैयार करवाया गया था। और एकल नृत्य कौन सा करवाया, हाँ रिमिक्स, जो इन्होंने रिमिक्स का देखा आपने, वो इन्होंने तैयार करवाया था। इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये है सावित्री साहू, जो आपने छत्तीसगढ़ी कर्मा नृत्य देखा वो इनके द्वारा तैयार करवाया गया था। और ये सदाबहार अनुराधा साहू, कार्यक्रम बाकी जो भी थे वो इन्होंने तैयार करवाए थे, इनके लिए भी तालियां। अब बच्चों से ले आई है, माता जी से प्रसाद लें, आप लोग भी लें, जल्दी जल्दी करिए। और हाँ, मैं हमारी मैडम चंद्रा गुहा, जो खराब स्वास्थ्य, कई सालों से एज ए प्रिंसिपल हमारे शाला को अपनी सेवाएं देती रही थी, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये चली गई थी यहाँ से। कलकत्ता में लंबे समय तक इनको इलाज करवाना पड़ा और अब स्वस्थ हो गई हैं बाबा के कृपा से।